अब वो सोचिए 2500 और 100 किट रोज इनके लिए, ये नहीं हो तो हमें किट चाहिए नहीं, कोई नहीं होता, जीरो है। एक ओम प्रकाश भर्ती तो क्या करेंगे हम लोगों को, कुछ नहीं करना, अभी उसकी रिपोर्ट नहीं आई है मैम। तो फिर एक ओम प्रकाश और भर्ती है, अच्छा है बेचारा, वो अपना बंद करके है तो बेचारा। मैम बताइए फिर जमातियों का फिर क्या करेंगे, रवैया इसके लिए क्या करेंगे? मैं वैसे तो सोच रही हूँ कि आप कहीं लीक मत करिएगा, हेल्थ मिनिस्टर से बात करेंगे, डॉक्टर हर्षवर्धन से बात करेंगे। लेटर ही लिखिए तो उसके तो यहाँ तो ये लोग कोई नहीं सुनेंगे, डरते भी हैं। डीएम तो वही मुख्यमंत्री के आदेश चल रहे हैं, मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं अपीजमेंट वाला मार्ग अपना रहे हैं। नहीं तो आप उसकी, आप लोग कोई रिकॉर्ड तो नहीं कर रहे हैं? नहीं, रिकॉर्ड करो, आप बात करेंगे। वो अपीजमेंट है, इनको भर्ती करना है, इंजेक्शन लगवा देंगे एक एक करके धीरे धीरे। यही तो गाजियाबाद जिनको जेल में डालना चाहिए, आप यहाँ लाके इलाज कर रहे हो, दूसरों को इन्फेक्ट कर रहे हो, खाना पीना खिला रहे हो, दवाइयाँ बर्बाद कर रहे हो, मैन पावर बर्बाद कर, किट बर्बाद कर रहे हो, दवाई से ज्यादा हमारा किट बर्बाद हो रहा है। इनपे जितनी बार हमारे 22 मरीज के लिए घंटे घंटे किट उतार उतार के लोग दौड़े हैं, अब एक घंटे में एक किट भरा है, हजारों रुपए का नुकसान है। हमें कहना चाहिए ये जी टीवी इंडिया टीवी पे कि एक एक घंटे किट पहन के लोग उतार दिए भाग गए, किट 2500 का किट। अब आप सोचिए जिनको आपको डेढ़ डंडे जेल में डाल के एकदम क्या बोलते हैं आइसोलेशन, वहाँ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखना चाहिए, आप आइसोलेशन वार्ड में रख रहे हो, आइसोलेशन में भी अलग रखा जाता है खातिरदारी के साथ। जमात कन्फाइनमेंट होता है जहाँ पे जमात मुकदमे बहुत दर्ज हुए ना, एनएस क्या जो बदतमीजी कर रहे डॉक्टर से, क्यों ये कर रहे? अच्छा क्या इतना इनको समझ नहीं आता? योगी जी को आदेश देना चाहिए कि ये जमाती के लिए कोई भी हमारे मैन पावर रिसोर्सेज स्टेट का गवर्नमेंट का नहीं यूज होगा। बस हम बता रहे हैं, इनको दो मिनट में दौड़ा रहे हैं। हमने 22 को जिस तरह से पूरी रात जग के हल्ला किया तो सुबह आके एम्बुलेंस मिला तब वो कह रहे नहीं 60 एम्बुलेंस इनके लिए लगे हैं, इनके लिए लगे हैं खातिरदारी के। उस दिन रात को भी 80 मरीज लाए खातिरदारी के लिए, हमने कहा लगाया बहुत।